स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन इनफाइनाइट क्लासेस। स्टूडेंट्स, एक ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम दी हुई है जिसको हमें सॉल्व करना है। इसमें दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स आर एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करना है जबकि लाइन सेगमेंट आर और एस आपस में पैरेलल शो की गई है। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉपर्टीज का यूज किया गया है। लाइन्स और एंगल्स की जो प्रॉपर्टीज होती है उसका यूज करेंगे। तो सबसे पहले इसमें ये करते हैं कि ये जो पॉइंट्स है इसको हम नाम दे देते हैं। ये हमारा सी हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, और इस पॉइंट को आप मान सकते हैं ई, और ये मान लीजिए ए बी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करोगे आप, उसी पॉइंट से लाइन सेगमेंट ड्रा करोगे। ठीक है, लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे हम जो आर और एस के पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहला काम ये करेंगे कि ड्रा ए लाइन एल पैरेलल टू आर एंड एस। एक लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे जो आर और एस के पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है, ये बेटा लाइन ड्रा कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए लाइन एल और एस पैरेलल है, लाइन एल और एस पैरेलल है, एंड ईसी इज ट्रांसवर्सल। ईसी इज ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल का मतलब है कि इन दोनों लाइंस को कट करने वाली लाइन। तो लाइन्स और एंगल्स में हमने ये पढ़ा है कि जब दो लाइनें पैरेलल दी हुई हो और एक ट्रांसवर्सल उनको कट करे तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं ट्रांसवर्सल के अल्टरनेट साइड पर। देखिए आप ये जो लाइन ड्रा की है आर एल, ये आर के भी पैरेलल है। ठीक है, सिमिलरली एल इज पैरेलल टू आर एंड ईडी इज ट्रांसवर्सल, और यहाँ पे ईडी क्या है, ट्रांसवर्सल। ठीक, ईडी ट्रांसवर्सल है तो स्टूडेंट की ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। ठीक, क्या ईडी लाइन, अब ईडी ट्रांसवर्सल है यहाँ पे अल्टरनेट एंगल इक्वल टू अल्टरनेट लाइन टू अल्टरनेट साइड टू 35 डिग्री का। तो ये भी हमारे कितने डिग्री का, 35 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, दोनों ही हमारे अल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, सो देयरफॉर एंगल आरडीई, एंगल आरडीई इज इक्वल टू एंगल डीईएल, एंगल डीईएल इज इक्वल टू 35 डिग्री, दिस इज अल्टरनेट एंगल। ठीक, अब देखिए ये दोनों ही पता है। अब अगर आप कंप्लीट एंगल से फाइंड करना चाहते हैं, मतलब कि डी ई से फाइंड करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा, इन दोनों को प्लस करना होगा। ठीक है, नाउ एंगल डी ई सी, एंगल डी ई सी इज इक्वल टू एंगल डी ई एल प्लस एंगल सी ई एल, एंगल डी ई एल प्लस एंगल सी ई एल, वैल्यू पुट कर दीजिए 35 और 27 डिग्री। ठीक है, 35 और प्लस करो 7 5 12 62 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
and building cut each other and each AC and BD cut each other and therefore angle AEB is equal to angle CED. Angle AEB is equal to angle CED because both are vertical angle. ठीक दोनों कैसे एंगल है वर्टिकल एंगल तो आप ये दोनों एंगल को पता चल गया. अब देखिए अब आप एंगल ट्रायंगल ले लीजिए इन ट्रायंगल ए बी इन
एबीजी में एंगल सब प्रॉपर्टी यूज कर लीजिए, ठीक है, बिकॉज आपको इसमें दो एंगल दिए हुए हैं, ये पता है कि बी और डी की पता है कि ए की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, क्योंकि एक्स माना गया है, तो इसमें एंगल सब प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो निकल आएगा, ठीक है। इन ट्रायंगल एबीजी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी मतलब इन ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कनेक्टिव डिग्री होता है, तो सम ऑफ बराबर बनेगी, ठीक है, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।